हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ फायरमैन, साइंस का सुपर हीरो, लॉजिक का दोस्त। मैं आपका फिजिक्स टीचर अमित गुप्ता लाया हूं फायरमैन की एक नई कहानी। यूनिवर्स में सबसे फास्ट चलती है लाइट, लेकिन लाइट से भी तेज चलते हैं इंसान के आइडियाज। आज हम देखेंगे कि फायरमैन की मदद से कैसे एक आइडिया इंडिया के कोने कोने में लाइट की स्पीड से पहुंच गया। 2006 में इंडिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन थे दो भाई, सुकेश बंबानी और सुनील बंबानी। वैसे तो दोनों राम लक्ष्मण की तरह ही रहते थे, परंतु बिजनेस को लेके इनमें महाभारत छिड़ जाती। इन दोनों की दो केबल इंटरनेट कंपनीज थी। दोनों ही कंपनीज के प्रॉफिट और कस्टमर्स स्टेडिली बढ़ रहे थे, लेकिन जैसे जैसे इंटरनेट ट्रैफिक बढ़ता जा रहा था, स्पीड बहुत कम हो जाती थी। इनफैक्ट नेट की स्पीड इतनी कम हो जाती थी कि ईमेल से पहले कबूतर चिट्ठी लेकर पहुंच जाए। अब कस्टमर्स को खुश करने के लिए सुनील ने सर्विस के रेट आधे कर दिए और उसने बॉलीवुड और क्रिकेट स्टार से प्रमोशन करवाए। इससे स्पीड तो कम ही रही, लेकिन उसका बिजनेस तेजी से चल पड़ा। लेकिन सुकेश का विजन अलग था। उसे देश के हर घर हर कोने तक फास्ट और रिलायबल इंटरनेट पहुंचाना था। पर केबल इंटरनेट में कई फ्लॉज थे, जैसे इसकी स्पीड लो थी, रिलायबल नहीं था और ज्यादा दूर तक नहीं पहुंच सकता था। सुकेश समझ गया था कि लोगों को बेहतर इंटरनेट देने के लिए उसे पूरी टेक्नोलॉजी बदलनी पड़ेगी, लेकिन कैसे? वो केबल इंटरनेट को रिप्लेस कैसे करेगा? क्या वो सुनील से हार जाएगा? वो देश के कोने कोने तक फास्ट और रिलायबल इंटरनेट कैसे पहुंचाएगा? क्या कोई है जो उसकी मदद कर सकता है? अगर साइंस में है डाउट, तो फायरमैन विल सॉर्ट इट आउट। फास्ट और एडवांस इंटरनेट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसका ट्रांसमिशन मीडियम। केबल इंटरनेट में ट्रांसमिशन मीडियम होता है कॉपर वायर। इन वायर्स में सिग्नल ट्रांसमिट इलेक्ट्रॉन्स के मोशन की वजह से, इसलिए इंटरनेट स्लो हो जाता है। दूसरा, इन वायर्स में रेजिस्टेंस भी होता है और रेजिस्टेंस की वजह से पावर लॉस होता है और पावर लॉस से सिग्नल वीक हो जाता है। तो हम इस केबल से इंटरनेट बहुत दूर तक ट्रांसमिट नहीं कर सकते। सुकेश को जरूरत थी एक ऐसे मीडियम की जो लंबी दूरी तक हाई स्पीड से डेटा ट्रांसफर कर सके। इसके लिए चाहिए ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर तेज स्पीड पे डेटा ट्रांसफर करते हैं, ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड। ऑप्टिकल फाइबर केबल की कोर हाई रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के मीडियम से बनी होती है। इस कोर को लो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के मीडियम से कवर किया जाता है, जिसे क्लैडिंग कहते हैं। अब जब सिग्नल ऑप्टिकल फाइबर की कोर में एंटर करता है, तो TIR की वजह से 100% रिफ्लेक्ट होता है विद 0% लॉस। तो इसकी वजह से सिग्नल लंबी दूरी तक ट्रेवल करेगा एट स्पीड ऑफ लाइट एंड विदाउट एनी लॉस ऑफ द स्ट्रेंथ। ऑप्टिकल फाइबर केबल लगभग 100 किलोमीटर तक डेटा आसानी से ट्रांसमिट कर सकता है। 100 किलोमीटर के बाद इसमें एम्पलीफायर लगा दिए जाते हैं, जो सिग्नल को सेम स्ट्रेंथ पर आगे ट्रांसमिट कर देते हैं। करंट की जगह लाइट यूज करने से एक और फायदा यह होता है कि डेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस से भी सिक्योर रहता है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर केबल से हम फास्ट और सिक्योर इंटरनेट कहीं पर भी पहुंचा सकते हैं, चाहे वो पहाड़ के ऊपर हो या पानी के अंदर। तो इस तरह से इंडिया के हर घर में लग गया फास्ट इंटरनेट और सुकेश का बिजनेस हो गया सेट। तो इस तरह फायरमैन की बदौलत सुकेश की कंपनी को मिली जीत और इंडिया को मिला बेहतर और एडवांस इंटरनेट। जियो फायरमैन जियो। तो जब इतनी मेहनत से फास्ट इंटरनेट मिला है, तो सिर्फ रील्स मत देखो यार,
उसका सही इस्तेमाल करो। अटेंड कीजिए मेरे लाइव बैचेस और स्पेशल क्लासेस सिर्फ अन अकेडमी ऐप पर। यूज कीजिए कोड AGNUC, इससे मिलेगा आपको डिस्काउंट और ढेर सारा नॉलेज। पर आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे फायरमैन की एक नई कहानी के साथ। तब तक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग फायरमैन।